अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूडाइस प्लस में ये देखने वाले हैं कि जो अदर स्टेट में कोई स्टूडेंट है अगर और उसे हमारी स्कूल में लेना है या हमारी स्टेट के अंदर उसको लेना है यूडाइस प्लस के अंदर, तो उसे किस तरीके से करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है, इंटर स्टेट इम्पोर्ट है ना। तो ये वाले ऑप्शन पर हमको जाना है और जाने के बाद अगर वो बच्चे का हमारे पास परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं है, तो परमानेंट एजुकेशन नंबर के लिए सबसे पहले हम लोगों को गेट PEN पर जाना है और उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद, जैसे यहाँ पर मैं एक बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर हमने उसका ईयर भी डाल दिए। ईयर डालने के बाद सर्च करना है। तो देखिए, सर्च करने के बाद उस बच्चे का स्टूडेंट जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो भी आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। तो ये हमें नोट करके रखना है और नोट करके रखने के बाद वापस से जो है तो हमें उसी ऑप्शन पर जाना है। ये देखिए, वापस से उसी ऑप्शन पर हमें जाना रहेगा, इंसर्ट इंटर स्टेट इम्पोर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर जो भी स्टेट से हमें वो बच्चे को लेना है, यहाँ पर देखिए स्टेट दी गई है, तो जो भी स्टेट से वो बच्चा अगर हमें लेना है तो उस स्टेट पर हमें जाना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं उत्तर प्रदेश से लेना है मुझे। अब वो स्टूडेंट का जो हमने नंबर लिए थे, जो नंबर हमने हासिल किए थे परमानेंट एजुकेशन नंबर, उस नंबर को यहाँ पर डालना है और नंबर डालने के बाद सर्च पर हमें जाना रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ भी लेना है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पर गो पर जाना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर गो पर जाएंगे तो आप लोगों के सामने उस बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी और नीचे जो है तो इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा। अभी ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो नंबर डाले हैं उसका आधार परमानेंट एजुकेशन नंबर वो इसी स्टेट का है, महाराष्ट्र का ही है। अभी अगर कोई दूसरी स्टेट का अगर कोई बच्चा रहेगा तो यहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद, गो पर जाने के बाद इम्पोर्ट का वहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग